दोस्तों बीएल नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण डिजीज पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक व्हाइट फंगस। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि व्हाइट फंगस होता क्या है और व्हाइट फंगस के लक्षण क्या है, किस प्रकार हम इसका उपचार कर सकते हैं। ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस। इन दिनों ब्लैक फंगस के मामले में तेजी आ रही है। इस बीच एक नए संक्रमण का पता लगा है जो फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण बन रहा है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट फंगस की। क्या है व्हाइट फंगस? व्हाइट फंगस को मेडिकल साइंस की भाषा में कैंडिडियासिस यानी कैंडिडा कहा जाता है। कैंडिडियासिस नामक इस फंगल संक्रमण को सामान्य बोलचाल में सफेद फंगल के नाम से भी जाना जाता है। कैंडिडियासिस एक तरह का इन्फेक्शन है। यह बीमारी फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए संक्रमण बहुत बड़ा खतरा बन गया है और ऐसे लोगों के लिए कैंडिडियासिस जानलेवा भी साबित हो सकता है। खास तौर से शुगर के मरीज इस बीमारी से सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। व्हाइट फंगस शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? असल में ये नम सतहों पर पाया जाता है। व्हाइट फंगस हमारे वातावरण में मौजूद रहता है। जब किसी भी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो यह फंगस शरीर पर हमला कर देता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए सफेद फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। सफेद फंगस और कोरोना संक्रमण में सबसे बड़ी समानता यह है कि व्हाइट फंगस से भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं। बाद में सफेद फंगस फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैला सकता है। व्हाइट फंगस होने के लक्षण, सबसे पहले मुंह में छाले या सफेद घाव होना, मक्खन जैसी मुलायम सफेद त्वचा दिखाई देना, प्रभावित क्षेत्र पर सफेद परतदार पदार्थ का जमा हो जाना, दर्द और खुजली होना, त्वचा में रुखापन आना आदि। व्हाइट फंगस का पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच जरूरी है। बलगम कल्चर की जांच से ही हमें पता चल जाता है कि व्हाइट फंगस है या नहीं। दोस्तों जो व्हाइट फंगस बीमारी है वो बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, तो आइए इनके कारणों पर एक नज़र डालते हैं। इस बीमारी के बढ़ने के प्रमुख कारण है जिसमें जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है उन लोगों को व्हाइट फंगस होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के मरीज में व्हाइट फंगस का दोगुना खतरा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही डायबिटीज़ है तो उन मरीजों के लिए व्हाइट फंगस वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरा कारण है स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल, जो रोगी के शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ा देता है जिससे भी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो जाती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को व्हाइट फंगस हो गया है तो उसका इलाज क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। डॉक्टरों की माने तो कैंडिडियासिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। यह उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है जो पहले से ही मधुमेह या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है। अगर कैंडिडियासिस बीमारी का समय रहते पता चल जाए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए तो इसका इलाज संभव है। कुछ डॉक्टरों की माने तो एक बार अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो फिर कोई कारगर इलाज नहीं है और मरीज की मौत हो सकती है। राहत की बात यह है कि एंटीफंगल दवा से इसका इलाज संभव है। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को सुबह हल्की धूप में बैठना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स का सेवन और पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो सके और बीमारी से बचा जा सके। तो दोस्तों अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम दिखाई दे तो वो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि समय रहते इस प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा सके। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अस्मीकरण संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। बीएल नर्सिंग क्लास से चैनल इस लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें या स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।